अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत के लिए एक और बुरा दिन और एक और अफसोसनाक खबर। जमशेद अहमद दस्ती के भाई मुश्ताक अहमद दस्ती को जो है फैर मारा गया है और वो मौके पे ही जहां बाक हो गए हैं। मैं जनूब पंजाब वाली साइड पे ही आया हुआ था तो मुझे ये खबर मिली है, तो फिर मैंने इसको कंफर्म किया। मैं आपको पूरे वाकये की तफसीलात भी बताता हूँ और ये वाकया क्यों हुआ है वो भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में दिलचस्पी रखते हैं या खित्ते की सूरत हाल पर दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन प्रेस कर सकते हैं। यकीन जानिए, इन दोनों चीजों के कोई चार्जेस नहीं है, आप हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि जमशेद अहमद दस्ती के बड़े बड़े भाई हैं मुश्ताक अहमद दस्ती, इनको मुश्ताक पहलवान भी कहते हैं। इनको जो है एक पंचायत में बुलवाया गया था और ये जो इलाका आता है, मेन मुजफ्फरगढ़ नहीं है, आप जाएं डेरा गाजी खान वाले रोड पे तो आगे वस्ती करीमाबाद एक टिब्बा कह लें, या वहां पे कलोनी है वस्ती करीमाबाद, टिब्बा के नाम से वो मशहूर है। उसके साथ ही ग्रेड स्टेशन भी है और वहीं पे जो है एक बाईपास है, इंटरचेंज है, वहां पे बहार कलोनी है, ये इलाका जो है वहां पे ये वाकया पेश आया है। और गए ये थे, पंचायत थी, एक प्लॉट का फैसला करना था, पंचायत वहां पे थी और वहां पे जब ये गए हैं तो फैसला भी हो चुका था। जो दोस्तों ने मुझे बताया है कि फैसला हो चुका था और सभी लोग बैठे थे, लेकिन उन्हीं में से एक फरीक का एक कोई लड़का था वो बाहर गया हुआ था, मतलब किसी काम की गाज से वो आया है। उसने फिर शायद पूछा होगा कि फैसला किस तरह से हुआ है, उसको वो फैसला अच्छा नहीं लगा या इसी बात पे तकरार हुई है और इस दौरान उसने आकर फायर कर दिया है। और फायर जो है दो लोगों को लगा है, दूसरे तो अभी तक हयात हैं, लेकिन जमशेद अहमद दस्ती के जो भाई थे मुश्ताक अहमद दस्ती और पहलवान भी उसे कहते थे, शायद किसी जमाने में वो थोड़ी बहुत पहलवानी भी करते थे, तो उनको जो है मौके पे ही वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और उनको फैर लगा है। तो साफ जाहिर है वो एक जो बंदा है वो तो बच गए लेकिन ये नहीं बच सके। तो एक और बुरा दिन दोस्तों पाकिस्तान की सियासत के लिए। अभी हम रोना रो रहे थे असद खोखर के भाई का, मुबशर खोखर का, जिनको लाहौर में फायर लगा है और उनको तो खैर एक वो कहते हैं कि खानदानी दुश्मनी आ रही थी इस बेस पे लगा है, लेकिन ये तो किसी का जो मामला था वो हल करवाने गए थे। और यकीन जाने ये काफी अच्छी फैमिली है ये दस्ती फैमिली, खासकर ये जमशेद दस्ती जो है, गो के सियासत अपनी जगह, मैं भी उनसे इख्तलाफ करता हूँ, मैं काफी सारी बातों पे उनको क्रिटिसाइज भी करता हूँ, लेकिन ओवरऑल जो है जिस तरह से इस बंदे ने स्ट्रगल की है, मैंने वो दौर भी देखा है जब ये जलसे किया करते थे और अभी ये नाजिम के लिए लड़ रहे थे, तो मैं तब से इनको जानता हूँ, काफी अच्छी फैमिली और काफी सुलझे हुए लोग हैं। लेकिन साफ जाहिर है फिर इस तरह के मामलात में ऐसा हो भी जाता है और ये काफी अफसोसनाक है। तो ये मामला था सारा दोस्तों, मैं चूंकि इधर आया हुआ था तो मैंने कहा अपने नाजरीन को बता दिया जाए। अब तक इतना ही, आप दोस्तों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल में दिलचस्पी रखते हैं या पाकिस्तान के हालात में दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ताउन के लिए